क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी शादियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हाँ बताएं कि आपका कोई इरादा है करीबी वक्त में शादी करने का? करीबी वक्त में मैंने कहा, जिन्होंने अभी शादी की है उनका बैच था। अच्छा। और उनका बैच गुजर गया, अब हमारा नया बैच आने वाला है जिसमें से वसीम होगा, नसीम होगा, मैं हूँगा, तो उसके लिए भी 2-3 साल चाहिए। चले, ये न्यूज़ उन्होंने बता दिए 2-3 साल, तो आपको लगता है कि 2-3 साल में आपकी उम्र सही हो जाएगी शादी करने के लिए? अराउंड अबाउट 26 to 25 हो जाएगी, तो अच्छा होगा कि उस उम्र में मैं कर लूँ ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। हाँ जो ये अच्छा, ये आपने अच्छा जवाब दिया है। क्रिकेट के अलावा कोई और खेल है जो आप खेलते हैं या देखते हैं बहुत शौक से? टेबल टेनिस मैं खेलता हूँ और फुटबॉल मैं देखता हूँ जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। ऐसा आज कोई शौक नहीं है फुटबॉल का, लेकिन मैं देखता रहता हूँ और टेबल टेनिस में बहुत शौक से खेलता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप यानी कि जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, ये हिडन टैलेंट है, ये जो वो भी मैं फैंस, आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आइज कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, और मुझे बताएं कि आपको कोई स्पेसिफिक प्लेयर पसंद है किसी और स्पोर्ट में, कोई और दूसरा एथलीट किसी और स्पोर्ट में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी पसंद है, जिस तरह के वो उन्होंने परफॉर्म किया हमेशा अपनी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, उनका रूटीन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के, बहुत पसंद है। वो बहुत मेहनती हैं डेफिनेटली। मुझे बताएं कि आपका शॉर्ट टर्म में गोल क्या है और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म तो अभी एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप आ रहा है, तो यही है। लॉन्ग टर्म मैं चाहता हूँ कि मैं कम अज़ कम 20 से 22 साल तक मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, अगर वो मेहनत करता रहूँगा तो मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो बाहर हो जाऊँगा। अच्छा, जो आपको नाम दिया गया, आपका निकनेम मिस्टर गूगल, वो आपको कैसा पसंद है? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गूगल के काम तो अच्छे हैं, अगर आप उसमें अच्छा सर्च करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। तो नाम मिला लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो गूगल करते हैं वो मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है? यस, किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो लोग गूगल सर्च करने के बजाय मुझे कहते हैं यार हारिस कल क्या होने वाला है। तो फिर आपकी टीम के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा कि उनके पास गूगल उनके साथ टीम में है। सम टाइम मैच में पूछते हैं, क्योंकि मैच में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो पूछते हैं हारिस क्या होने वाला है, मैं कहता हूं सम टाइम हो जाता, सम टाइम नहीं। दिस इज गुड, ये एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगी कि जो प्रेशर होता है जब आप मैदान में खेलने जा रहे होते हैं, तो वो आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? आपको पता है कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर है, तो कहते हैं ना कि प्रेशर एक प्रिविलेज होता है, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से देखते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो प्रेशर को वाकई में एक प्रिविलेज ही है, और उसको मैं इस तरह हैंडल करता हूँ कि समटाइम मैं सोचता हूँ कि यार ग्राउंड में कोई नहीं है, आप और बॉल है सिर्फ, बॉलर को भी नहीं देखता मैं। समटाइम मैं ये चीज़ भी करता हूँ कि ना बॉलर भी नहीं है, 11 फील्डर भी नहीं है, ना क्राउड है, कुछ भी नहीं है, बस आप अपने घर में खेल रहे हो, बॉल को देखते जाओ, तो इस चीज़ को मैं इस तरह हैंडल करता हूँ। समटाइम ये काम करता है, समटाइम नहीं करता, अपने पे ही तवज्जो रखते हैं, यही पे चीज़ है कि खुद पे फोकस करता हूँ, बाहर का नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। और आप अभी से आप ये सोचते हैं कि मुझे ये मौका मिला है जो हर किसी को नहीं मिल सकता, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम होता है आपका? प्रेशर तो कम नहीं होता, प्रेशर और बढ़ता है। तो फिर उसको सोचने की यहाँ कोशिश करते हैं, उसको ना एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, लेकिन समटाइम मैंने यही कहा कि समटाइम ये वर्क करता है, समटाइम नहीं करता। तो आप प्रेशर के साथ बेहतर खेलते हैं कि प्रेशर के बगैर? अभी तक जो मेरी इनिंग्स है वो अंडर प्रेशर अच्छी आई है, तो जो मुझे जो चीज़ है अंडर प्रेशर में मैं ज्यादा फोकस होता हूँ और ज्यादा परफॉर्म करता हूँ, तो अभी तक मुझे उसमें मजा आ रहा है। खाने के आप शौकीन हैं, और आपको आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? वेल, हम पठान सबसे ज़्यादा शौक से बारबेक्यू वगैरह, ये जो लैम चॉप्स वगैरह ये चीज़ें होती है, मटन, तो ये काफ़ी शौक से खाते हैं और इसके लिए मशहूर भी है, तो मटन वगैरह या बारबेक्यू ये चीज़ें काफ़ी पसंद है। ओके, नाइस। तो जब आप कैंप में होते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक खाना खाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने प्लान किया होता है, अगर को बैटिंग आज ज़्यादा है, मॉर्निंग में सेशन है, तो आपको लंच में ये मिलेगा, अगर इवनिंग में सेशन है तो रात को डिनर में ये मिलता है, तो स्पेसिफिक होता है और वो डाइट के हिसाब से होते हैं हमारे पास माशाल्लाह। तो आपको इधर फैसिलिटीज़ वेल क्वालिफाइड, यस वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो है, डाइटिशियन है, तो वो सब मैनेज करके देते हैं। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि लास्टली वो कौन सा मैसेज है जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मोहम्मद हारिस के फैंस को उनके बारे में अभी तक नहीं पता? कोई एक ऐसी फैंस को मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने अखलाक ठीक करें, अगर आपके अखलाक ठीक होंगे और आप अपने जो भी फील्ड है चूज़ करें, मैं ये नहीं कहता मैं क्रिकेटर तो आप क्रिकेट में आए, किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले ले या किसी भी प्रोफेशन को आप ले ले, तो उसमें मेहनत करें, दिल खोल के आप मेहनत करें और अपने अखलाक उसमें अच्छे करें, तो अल्लाह पाक कामयाबी देता है।
और जो मेरी चीज है ये फैंस को नहीं पता, मैं स्विमिंग अच्छी करता हूँ, तो बस यही क्वालिटी है। अगर किसी को नहीं पता, किसी स्विमर को मुकाबला करने है तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये थे हमारे साथ मोहम्मद हारिस, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त हिस्सा है, नेशनल टीम का हिस्सा है। और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। एंड यू नो, आपने इनको बहुत दफ़ा एक्शन में देखा होगा क्रिकेट की फील्ड में इस पिछले साल में। बट दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी महक खोकर की तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।